सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयो विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, बात करते हैं मकर राशि की, जो कि 2020 में कैसा रहेगा 2020 मकर राशि के जातकों का, इसी विषय पे आज करते हैं आपसे चर्चा। मकर राशि 2020 के अनुसार यह साल आपके लिए कई मायनों में अच्छा रहने वाला, हालांकि आपको स्वास्थ्य से संबंधित मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। पुराने समय से चली आ रही किसी बीमारी से आप उबर जाएंगे। आपको जीवन में जुड़े कई मोर्चों पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जीवन, प्रेमी जीवन जो है या प्रेम जीवन जो है, इसके लिए वर्ष काफ़ी अनुकूल रहेगा और आप अपने से कुछ लोगों को विवाह और सहनाइयाँ इत्यादि सुनने को मिलेंगी। आप अपने प्रीतम को अपना बनाने में सफल हो जाएंगे। हालांकि विवाहित लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेंगी। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने काम के अलावा अपने जीवन साथी को भी पर्याप्त समय दें। संतान के लिए यह साल अधिक अनुकूल नहीं है, इसीलिए समय समय पर उसका ध्यान रखें और उन्हें प्रोत्साहित भी करें। पारिवारिक जीवन काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। आपको मन तथा सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। भाई बहनों का आपको ध्यान रखना होगा। बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में आपको कठिन परिश्रम भी करना होगा, तभी अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष थोड़ा कमजोर रह सकता है, इसीलिए आप अपने धन का हिसाब किताब अच्छे से रखें ताकि किसी भी तरह की आर्थिक समस्या से बचा जा सके। बेरोजगार लोगों को एक स्थायी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है, मिल सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। अर्थात जिनको नौकरी चाहिए उनको नौकरी प्राप्त हो सकती है, परंतु घर परिवार का और संतान को लेकर के थोड़ा सा आपको पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। बच्चों को उत्साहित करना होगा, बच्चों का मनोवर्धन करना होगा, मन को उनको बढ़ाना होगा जिससे वह आगे बढ़ें। अगर कहीं उनको असफलता मिल रही है, असफलता मिल गई है या असफलता प्राप्त हो गई है, तो आपको उनसे किसी भी तरह का कोई बात विवाद नहीं करना, असफलता को दूर कराना है, उनका उत्साहवर्धन करना है, कोई बात नहीं, आगे आप अच्छे परिणामों से अच्छे रिजल्ट को प्राप्त करेंगे, ऐसा उनको प्रोत्साहित भी करना है। उनके साथ लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है। आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान में रख करके इस साल की आपको शुरुआत करनी है। अधिक जानकारी के लिए हमसे बात कर सकते हैं, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान के लिए संपर्क कर सकते हैं। वैदिक अनुष्ठान संस्थान के माध्यम से जगह जगह पर संपूर्ण प्रकार के जो सनातन धर्म पद्धति के अनुसार पूजा पाठ होती है उनको संपन्न कराया जाता है। मित्रों, आपका जीवन सुखमय रहे, मंगलमय रहे, 2020 आपके लिए आनंददायक रहे, ऐसी ही मंगल कामनाओं के साथ पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।